हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। और जो आज का वीडियो है उसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ ईद आउटफिट आइडियाज़। और आई होप कि आपको ये सारे आइडियाज़ अच्छे लगेंगे, ये सारी आउटफिट्स अच्छी लगेंगी, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है कि जो ये सारी आउटफिट्स हैं वो हैं ब्रांड हाउस ऑफ इंडिया से। और आप जैसा कि जानते हैं कि हाउस ऑफ इंडिया की जो क्वालिटी है फैब्रिक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, डिज़ाइनिंग भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और आज का स्पेशली ये जो हॉल है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी इन आउटफिट्स को परचेस करने के लिए। और अगर आप यूज़ करोगे मेरा कूपन कोड जो कि है विनी10, तो आपको एडिशनल 10% ऑफ भी मिल जाएगा। और आउटफिट्स के सारे लिंक्स मैंने आपको दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सीधा चलते हैं आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। तो जो पहली आउटफिट है वो मेरी सबसे फेवरेट आउटफिट है इस पूरे हॉल की, और शुरुआत जो है अच्छी ही होनी चाहिए। तो वो आउटफिट है ये बॉटल ग्रीन कलर की आउटफिट। ये एक सिंगल पीस ड्रेस है जो कि आती है ये बहुत ही खूबसूरत बेल्ट के साथ। वी नेकलाइन है इस ड्रेस की, और योक वाली ये ड्रेस है जिसमें आगे आपको ये पैनल्स हैं जो लगे हुए हैं आउटफिट के ऊपर। और ये जो पैनल्स हैं ये लुक क्रिएट करते हैं कि आपने ड्रेस के ऊपर कोई श्रग पहना हुआ है, तो एक एलिमेंट है जो ये ऐड करते हैं। फुल लेंथ ये ड्रेस है, और जो फैब्रिक है इसका वो है जॉर्जेट। काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, लाइक बॉडी के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से ये फॉल करेगा। और जिस किस्म की ये सिल्वेट है वो आपको काफ़ी स्लिम एंड टॉल लुक जो है वो तो देती ही है। ड्रेस का जो घेरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और अंदर इसके लाइनिंग लगी हुई है बहुत ही अच्छे कॉटन मटीरियल की। और जो बेल्ट है वो इस किस्म की बेल्ट है जिसको आप अपनी और भी ड्रेसेस के साथ जो है यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस आउटफिट को एमरल्ड इयररिंग, एमरल्ड रिंग और ट्रेडिशनल स्लिपर्स के साथ स्टाइल किया है। लुक को मैंने काफी ज्यादा लाइट रखा है, लाइक इस किस्म के लुक जो कि ईद में आपको कंफर्टेबल रहे, या अगर आप कोई अटेंड कर रहे हो डे इवेंट तो उसमें भी ये आउटफिट इस तरीके से स्टाइल करने से काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। नेक्स्ट आउटफिट भी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल आउटफिट है, और ये है लाइलैक कलर में, और इसके ऊपर गोल्ड फॉइल की आप कह सकते हैं डॉट्स हैं जो प्रिंटेड है। गले के ऊपर और वेस्ट पर आपको गोल्ड लेस की डिटेलिंग है जो दी गई है। फुल लेंथ ये आउटफिट है जिसका कि जो फैब्रिक है वो है जॉर्जेट, और आउटफिट के अंदर लाइनिंग भी लगी हुई है कॉटन मटीरियल की, और लाइनिंग का भी जो फैब्रिक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फुल स्लीव्स हैं इस आउटफिट की, और जो नेक लाइन है वो वी नेक लाइन है, और जो फ्लेयर है इस आउटफिट का वो भी काफी ज्यादा अच्छा फ्लेयर है। लाइक सेमी फॉर्मल एंड फॉर्मल इवेंट्स के लिए काफी ज्यादा एप्रोप्रिएट जो है ये आउटफिट है इस समर सीजन में। फैब्रिक जो है आपको काफी ज्यादा ब्रीदेबल और एयरी रहेगा, और जो कलर है वो काफी ज्यादा परफेक्ट है सीजन को देखते हुए। मैंने इस आउटफिट को सिंपली कुछ ट्रेडिशनल ज्वेलरी और गोल्ड क्लच के साथ स्टाइल किया है, और आउटफिट जो है बहुत ही ज्यादा एक सॉफ्ट लुक जो है क्रिएट कर रहा था मेरे लिए। और जो नेक्स्ट आउटफिट है वो एक ऐसी आउटफिट है जिसे आप मल्टीपल तरीकों से स्टाइल कर सकते हो। ये है एक असिमेट्रिकल कुर्ता, लाइक आप इसे ड्रेस की तरह भी पहन सकते हो, आप इसे शरारा के साथ भी पहन सकते हो, आप इसे पैंट्स के साथ भी पहन सकते हो। वी नेक लाइन है इसकी, और आगे पूरे कुर्ते के ऊपर आपको मिरर वर्क की लेस की डिटेलिंग जो है दी गई है, और जो ये डिटेलिंग है उसकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कुर्ते की जो सिल्वेट है वो ए लाइन सिल्वेट है, और साथ में आपको पॉकेट्स भी जो है दी गई हैं। तो जिन लोगों को भी इंडो वेस्टर्न स्टाइलिंग काफी ज्यादा अच्छी लगती है और वो फंक्शंस पर थोड़ा केयर फ्री रहना चाहते हैं, उनके लिए ये काफी अच्छी आउटफिट है। फैब्रिक जो है इस आउटफिट का वो है कॉटन सिल्क, और पूरी आउटफिट के अंदर आपको लाइनिंग जो है दी गई है, और लाइनिंग का भी जो मटेरियल है काफी ज्यादा अच्छा है। और मैंने इस आउटफिट को काफ़ी मॉडर्न तरीके से स्टाइल किया है, लाइक लॉन्ग स्टेटमेंट एयररिंग्स पहने हैं, हाई हील्स पहनी हैं, और साथ में लिया है गोल्ड क्लच। पर डेफिनेटली आप इसे ट्रेडिशनल आउटफिट में कन्वर्ट कर सकते हो अपने स्टाइलिंग के थ्रू। आप दुपट्टा कैरी कर सकते हो, इसके अंदर शरारा पहन सकते हो, और कुछ ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ इसको स्टाइल कर सकते हो।
और जो नेक्स्ट आउटफिट है वो भी एक बहुत ही इजी सा आउटफिट है. इसमें आपको मिलता है ये एक कुर्ता जिसके अंदर लाइनिंग नहीं है, ये प्योर जॉर्जेट फैब्रिक का कुर्ता है और इसके अंदर आता है इस किस्म का बस्टियर जो कि कवर करेगा आपकी बस्ट लाइन को, टिल वेस्ट ये कवर कर लेगा. और जब आप इसको पहनने के बाद इसको पहनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक स्टाइलिश लुक है जो क्रिएट होता है जब हल्का सा आपका स्किन शो होता है आपके शोल्डर्स एंड कमर की तरफ से. और जो लोग इस बस्टियर को यूज ना करना चाहें वो बिल्कुल इसके अंदर एक कैमिसोल जो है कैरी कर सकते हैं और आप इसे पैंट्स के साथ, प्लाजो के साथ, शरारा के साथ, इवन स्कर्ट के साथ भी स्टाइल कर सकते हो. नेकलाइन जो इसकी है वो कॉलेड हाई नेकलाइन है. स्लीवलेस ये ड्रेस है, काफी सिंपल ड्रेस है. मैंने यहाँ पर इसको सिंपली ही स्टाइल किया है विद गोल्ड पैंट्स क्योंकि लुक को मैं काफी ज्यादा केयरफ्री रखना चाहती थी. ट्रेडिशनल स्लिपर्स पहनी है और ट्रेडिशनल इयररिंग्स के साथ मैंने लुक को कंप्लीट किया है. नेक्स्ट आउटफिट है ये रस्ट कलर का लॉन्ग आउटफिट. आप इसको अनारकली भी कह सकते हैं, सिंगल गाउन कह सकते हैं, अलग अलग नामों से आप इसको बुला सकते हैं लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसको स्टाइल कैसे करते हैं. जो इसकी नेकलाइन है वो वैसे तो हाई नेकलाइन है लेकिन इसमें आगे नेट लगी हुई है और जो ये नेट लगी हुई है वो इस नेकलाइन को काफ़ी सेक्सी लुक भी जो है देती है. और जो इसकी स्लीव्स हैं वो भी नेट की स्लीव्स हैं. गोल्ड कलर से इसकी नेकलाइन के ऊपर डिटेलिंग है और जो घेरा है इस आउटफिट का वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा घेरा है. और जो लाइनिंग लगी हुई है उसका जो मटेरियल है वो है कॉटन सिल्क, काफी अच्छा फैब्रिक है. लाइनिंग का भी फैब्रिक इस आउटफिट का है जॉर्जेट और काफी अच्छी क्वालिटी का जॉर्जेट है जो ब्रांड ने इस्तेमाल किया है. और मैंने इस आउटफिट को स्टाइल करते वक्त बेल्ट का भी इस्तेमाल किया है क्योंकि जब भी आप ऐसी आउटफिट्स के ऊपर बेल्ट लगा लेते हैं, कोई सी भी स्लीक बेल्ट लगा लेते हैं, तो वो आपकी वेस्ट को एक डिफाइंड लुक देती है. लेकिन जिन लोगों का एप्पल बॉडी शेप है उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि वो ऐसी आउटफिट्स के ऊपर बेल्ट का इस्तेमाल ना करें क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका जो स्टमक एरिया है वो ज्यादा हाईलाइट हो जाता है. तो आप इसको बिना बेल्ट के छोड़ सकते हैं लेकिन मेरा पिया बॉडी शेप है इसलिए मैंने यहां पर बेल्ट लगाई है. और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेल्ट लगाने से ड्रेस जो है और ज्यादा एनहेंस हो गई है. और मैंने बेल्ट के साथ साथ ऐड किया है एक ट्रेडिशनल नेकलेस एंड ट्रेडिशनल ज्वेलरी विद गोल्ड क्लच इस लुक को कंप्लीट करने के लिए. और नेक्स्ट आउटफिट है वो जिसको मैंने पहना हुआ है, ये है एक वाइन कलर का शॉर्ट ए लाइन कुर्ता. और मैं आपको जरूर यहां पर कहना चाहूंगी कि जितने भी इस शेप के कुर्ताज होते हैं वो कभी भी आउट ऑफ स्टाइल, आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाते हैं. तो जिन लोगों के पास भी अपने पुराने ऐसे कुर्ताज भी हैं उनको कभी भी आपको थ्रो नहीं करना चाहिए बिकॉज बॉटम्स का जो फैशन होता है वो चेंज होता रहता है और आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं इस किस्म के कुर्ताज को अपनी बॉटम्स के साथ. और इस कुर्ता का जो फैब्रिक है वो है जॉर्जेट और इसमें आगे फ्रंट पैनल है स्ट्रेट जो दिया गया है जिसके ऊपर मिरर वर्क की डिटेलिंग है और जो वर्क है उसकी भी क्वालिटी जो है काफी ज्यादा अच्छी है. मैंने इस कुर्ता को यहां पर गोल्ड बेज पैंट्स के साथ जो है स्टाइल किया है जिसके ऊपर ऑलरेडी कुछ एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है किया गया है. जीरो नेकलाइन है इस कुर्ता की और काफी अच्छी क्वालिटी की लाइनिंग है जो पूरे कुर्ता में लगी हुई है. और मैंने इस लुक को कंप्लीट किया है कुछ ट्रेडिशनल ज्वेलरी और ट्रेडिशनल स्लिपर्स के साथ. आप बिल्कुल इस कुर्ता के साथ सलवार को भी मिक्स एंड मैच कर सकते हो, शरारा को भी मिक्स एंड मैच कर सकते हो. और आजकल काफी ट्रेंड में है ये लेंथ कुर्ताज में, तो आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके स्टाइलिंग को बिल्कुल चेंज कर सकते हो. मैं यहां पर एक काफी केयरफ्री लुक क्रिएट करना चाहती थी इसलिए मैंने सिंपली पैंट्स के साथ स्टाइल किया है. आई होप कि आपको आज का कलेक्शन अच्छा लगा होगा और आपको हेल्प होगी शॉपिंग करने में इस फेस्टिवल सीजन में. वैसे कुछ स्टाइलिंग इंस्पिरेशन के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल. और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल अगर अच्छा लगता हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और मैं मिलूंगी बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग. Thank you.